ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमीरपुर जिला की सराकड़ पंचायत की करियाड़ी की पूजा रांगड़ा चेन्नई में मिसेज इंडिया रनर अप चुनी गई है। पूजा रांगड़ा का हमीरपुर पहुंचने पर हमीर होटल में स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूजा रांगड़ा के पति सेना में कार्यरत थे और 2017 में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पूजा ने विकट परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा और ग्रामीण परिवेश निकलकर आज मिसेज इंडिया रनर अप का खिताब हासिल किया है। हमीरपुर जिला की सराकड़ पंचायत के गांव करियाली की पूजा रांगड़ा चेन्नई में मिसेज इंडिया रनअप चुनी गई है। पूजा रांगड़ा का हमीरपुर पहुंचने पर होटल हमीर में स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पूजा रांगड़ा के पति सेना में कार्यरत थे और 2017 में सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। पूजा ने विकट परिस्थितियों में भी संघर्ष जारी रखा और ग्रामीण परिवेश से निकलकर आज मिसेज इंडिया रनअप का खिताब जीता है। पूजा रांगड़ा का एक 4 साल का बेटा है और पूरे मॉडलिंग के सफर में परिवारजनों का सबसे ज्यादा सहयोग पूजा को मिला है, जिसके चलते ही पूजा रांगड़ा ने खिताब हासिल किया है। पति की मौत के बाद पूरी तरह से टूटने के बावजूद भी ससुराल वालों का पूरा सहयोग मिलने पर मॉडलिंग में पूजा ने नाम कमाया है। पूजा की उपलब्धि पर ग्राम पंचायत के प्रधान दलजीत सिंह ने भी खुशी जाहिर की है। पूजा रांगड़ा ने कहा कि महिलाओं को हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए और संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी एक न एक दिन अवश्य ही मिलती है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई में हुए मुकाबले में टॉप 5 में दूसरे नंबर पर रहने पर वे बहुत खुश हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार मॉडलिंग में कुछ ना कुछ जरूर हासिल होगा। ये मिसेस इंडिया हिमाचल कंपटीशन था जो नेशनल लेवल पे हुआ अभी चेन्नई में, तो जिसमें मैंने भाग लिया था और इसके ऑडिशन पालमपुर में हुए थे और उसके बाद सेमीफाइनल हुआ था हमारा कंडाघाट और फाइनल भी हमारा कंडाघाट में हुआ था, जिसमें मैं विनर रही थी और जिन्होंने आगे मुझे सिलेक्ट किया वो राष्ट्रीय स्तर पे चेन्नई में हमारा ये फाइनल हुआ। हमारा उसमें से उन्होंने 60 में से पहले टॉप 20 लिए, फिर टॉप 20 में से टॉप 5, जिनमें टॉप 5 में मैं थी और टॉप 5 में से मुझे सेकंड विनर मिसेज इंडिया सेकंड रनर अप रही मैं जिसमें। हाँ जी, आपको उम्मीद थी ऐसा? उम्मीद तो थी मुझे, क्योंकि मैंने मेहनत की थी बहुत, काफ़ी हद तक मैंने मेहनत की थी, तो था इतना तो था कि हाँ कुछ ना कुछ आऊँगी। नहीं, मैं इंटरनेशनल के लिए इसमें जाना था, बट जो विनर आएगा फर्स्ट नंबर पे है वो इंटरनेशनल के लिए जाएगा, तो इसके लिए सेकंड रनर अप जो है वो इंटरनेशनल के लिए नहीं जाएंगे हम। बस हमें यहीं तक क्राउनिंग की और मतलब शॉर्ट मूवीज़ वगैरह के ऑफ़र दिए गए हैं। अभी देखिए, अभी तो ऑफ़र आ रहे हैं जैसे शॉर्ट मूवीज़ वगैरह के और एड जो आती हैं हमारी ब्यूटी क्रीम जो भी आती है उनके लिए है। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है मैंने कि किस तरह आगे जाऊंगी। मैं वुमेन के लिए यही मैसेज देना चाहती हूं कि वो आगे बढ़ें और मैं भी यही कोशिश करूँगी कि मैं उनके साथ रहूं हमेशा और उनको सपोर्ट करूंगी। जो हमारे मैं आगे तो नहीं जा सकती, मतलब हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की जो भी वुमेन है मैं उनके साथ हमेशा रहूंगी और उनको आगे के लिए प्रेरित करूंगी कि आगे वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने हिमाचल का नाम रोशन करें। पूरे इवेंट में मतलब फैमिली मेम्बर्स का और जो मेरे ग्रूमर थे, ट्रेनर थे, उनका सबका।